डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 7.6 के सम करेंगे 2 to 4। सेकेंड सम स्टूडेंट्स, सरिता बॉट ए 2x5 मीटर ऑफ ए रिबन एंड ललिता बॉट 3x4 मीटर ऑफ ए रिबन। सरिता ने 2x5 मीटर रिबन खरीदा है और ललिता ने 3x4 मीटर रिबन खरीदा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट, उन्होंने जो रिबन खरीदा उसकी टोटल लेंथ क्या होगी? तो स्टूडेंट सीधी बात है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सरिता बॉट रिबन इक्वल टू 2x5 मीटर, ललिता बॉट रिबन 3x4 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट इक्वल टू 2x5 मीटर प्लस 3x4 मीटर। दोनों को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 5 को और 4 की अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x5 को कितने से करेंगे? 4 से। प्लस 3x4 को कितने से करेंगे? 5 से। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 8x20 प्लस ये हो गया 15x20। ऐड किया 23x20, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, 21 + 20 बचे 3, 1 × 3/20 मीटर, 1 × 3/20 मीटर उन्होंने टोटल रिबन परचेज किया या खरीदा। अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम स्टूडेंट्स, नैना वाज गिवन 1 × 1/2 पार्ट ऑफ ए केक एंड नजमा वाज गिवन 1 × 1/3 पार्ट ऑफ ए केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम। नजमा को केक का इतना पार्ट दिया नैना को और नजमा को इतना दिया, टोटल अमाउंट निकालना है तो इट मींस दोनों को ऐड करना है। नैना वाज गिवन 1 × 1/2, इसको यही इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, 2 × 2 में 1 ऐड किया 3 × 2। नजमा वाज गिवन पार्ट ऑफ ए केक 1 × 1/3 इक्वल टू 3 × 3 में 1 ऐड किया 4 × 3। अब हमने क्या निकालना है? टोटल। सो द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम, दोनों को दिए गए केक का टोटल अमाउंट, अमाउंट मीन्स मात्रा, 3x2 प्लस 4x3। प्लस का सम है तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 3 × 3/2 × 3 प्लस
फोर मल्टीप्लाई टू बाई थ्री मल्टीप्लाई टू, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको क्या लिखेंगे, नाइन बाई सिक्स प्लस एट बाई सिक्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन, नाइन प्लस एट इक्वल टू सेवनटीन बाई सिक्स, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, सिक्स टू जा ट्वेल्व, बचे फाइव, ये फाइव यहाँ और सिक्स यहाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू इंटू फाइव बाई सिक्स, ये अपना थर्ड सम होगा स्टूडेंट्स। अब फोर्थ सम करते हैं, फोर्थ सम है स्टूडेंट्स फिलिंग द बॉक्सेज, ये बॉक्स साइड में हमने फिल करना है। बॉक्स माइनस फाइव बाई एट इक्वल टू वन बाई फोर, यहां हमने ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें से हम फाइव बाई एट को माइनस करें तो वन बाई फोर आंसर हमारा आना चाहिए। तो जब भी प्लस या माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब यहाँ डिनोमिनेटर है अलग अलग तो हम इसका सही तरीके से पता नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। बॉक्स को एज इट इज रहने दो, फाइव बाई एट को एज इट इज रहने दो, और इसको हम क्या लिखेंगे, टू बाई एट। ये टू बाई एट कैसे हुआ, इसको हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नंबरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी। क्यों किया, इनका ये डिनोमिनेटर हमने सेम बनाने के लिए। तो यहाँ क्या होगा, ये फाइव बाई एट हो गया, ये टू बाई एट हो गया। अब बताओ अगर मैं यहाँ सेवन बाई एट लिख देता हूँ तो सेवन बाई एट में से जब फाइव बाई एट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टू बाई एट आएगा, तो हमारा बॉक्स में क्या आ गया, सेवन बाई एट। बी पार्ट, बॉक्स माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू वन बाई टू, बॉक्स में हमने ऐसी फ्रैक्शन फिल करनी है कि उसमें से हम 1 बाई फाइव माइनस करें तो 1 बाई टू आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करें। 1 बाई फाइव को लिख दिया मैंने 2 बाई टेन, कैसे किया, इस डिनोमिनेटर से ये मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने लिख दिया 5 बाई टेन, ये 5 बाई टेन कैसे आया, इस 5 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ बॉक्स में क्या आना चाहिए, अब बॉक्स में आ जाएगा 7 बाई टेन, 7 बाई टेन में से अगर 2 बाई टेन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 बाई टेन। ऐसे इसी पार्ट है, 1 बाई टू माइनस बॉक्स इक्वल टू 1 बाई सिक्स, 1 बाई टू में से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि 1 बाई सिक्स आ जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सिक्स बना देंगे। जब आपस में डिविजिबल हो ना तो दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल एक को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिक्स आ जाएगा हमारा, इसको सिक्स ही रहने दो। तो इसका हम क्या लिखेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री बाई सिक्स हो गया, वन को थ्री से किया तो थ्री और टू को थ्री से किया तो सिक्स, माइनस बॉक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स। अब थ्री बाई सिक्स में से अगर हम टू बाई सिक्स माइनस कर देंगे तो वन बाई सिक्स आ जाएगा, तो बॉक्स में हमारा क्या आया, टू बाई सिक्स। तो ये फोर्थ सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।